हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकल्स चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी एक CSEB वाली हैं, अगर आप भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आपको ये अपडेट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये काम ना किया तो आपकी CSEID बंद हो सकती है। अगर आपको अपनी CSEID चलाए रखनी है, उसमें काम करते रहना है, तो आपको ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है ये लेटेस्ट अपडेट आई, इसके बारे में जानते हैं। बस इस अपडेट को जानने से पहले आप सभी से करूँगा एक गुजारिश। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर CSE से रिलेटेड जो भी अपडेट आती हैं सबसे पहले डलते रहते हैं। और अगर आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो साथ में दिखाई देने वाले इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे वीडियो के जो भी नए अपडेट होंगे, जो भी नई वीडियो होगी, उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से क्लिक कर कर आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट जो है दिनेश त्यागी जी की ओर से किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी BLEs को एक फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होगी। अगर आपका सेंटर वेरीफाई नहीं होगा, तो आपकी CSEID डिलीट कर दी जाएगी। आपको पल्स वेरिफिकेशन और एक फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी होगी। पुलिस वेरिफिकेशन आपको पुलिस स्टेशन में जाकर करवानी होगी। आप सबको पता ही है, पुलिस स्टेशन में जाकर आप अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, और फिजिकल वेरिफिकेशन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू करवानी होगी। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी मैनेजर रखे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उनको कॉल कर कर उनसे बात कर कर आप अपने CSE सेंटर की फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उनको बता सकते हैं हमारा सेंटर जहाँ पर है, हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, और हमारी CSEID जहाँ पर है। ये काम CSE की ओर से इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई CSEID किसी गांव की बनवा लेता है और किसी और गांव में काम कर रहा होता है। कई बार हम काम करना छोड़ देते हैं और अब आईडी हमारी चलती रहती है, पर अब CSE की ओर से ये काम चलाया जा रहा है, जिससे ये पता चल जाएगा कि किस गांव में CSE की ज़रूरत है, और जिसमें अगर CSEID ना होगी तो उसमें CSEID चलवा दी जाएगी। और अगर आपकी आईडी बंद पड़ी है, तो उसको हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द पोस्ट वेरिफिकेशन और CSE से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थ्रू फिजिकल वेरिफिकेशन दोनों करवा लें, जिसके तहत आपकी CSEID को कोई खतरा नहीं होगा और आपकी CSEID चलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि क्या लेटेस्ट अपडेट CSE की ओर से निकल कर हमारे सामने आई थी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा BLE भाइयों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा BLE भाई देख कर इससे सीख सकें और पता चल जाए कि क्या CSE की ओर से लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी सबसे पहले अपडेट डलते रहते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।